how to avoid losses from stock market. Guys, आप लोग भी स्टॉक मार्केट में लॉस करते होंगे, नाम मत बोलना, जरूर लॉस किए होंगे. ओके, तो इस लॉस को अवॉइड कैसे करेंगे, आज के वीडियो में आपको ये बताएंगे. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. आई एम नवजीत और आज मैं बताऊंगा जो लॉसेज है शेयर मार्केट में उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, लॉस किस वजह से होता है. ओके, आपका कौन सा गलती है जिसके वजह से शेयर मार्केट में आपका लॉस होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इन फ्यूचर आने वाला जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिल पाए. ओके, तो गाइस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा. मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कौन कौन सा आपका मिस्टेक है जिसकी वजह से आपको शेयर मार्केट में लॉस होता है. सबसे पहले फर्स्ट, जब आप शेयर मार्केट में आते हो, ओके, शेयर मार्केट में जब आते हो आपके पास इनिशियली कुछ भी नॉलेज नहीं होता. आप दूसरे को देखते हो या दूसरे के कॉल्स को फॉलो करके खुद ट्रेड लेते हो और लॉस करते हो. अगर वो कॉल्स प्रॉफिटेबल भी है फिर भी आप प्रॉफिट वहाँ पर बुक नहीं कर पाएंगे. आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं आता, कब आपको एग्जिट करना है वो आपको नहीं पता, एंट्री कब करना है वो भी आपको नहीं पता. एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट अगर आपको पता नहीं है, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है वो आपको पता नहीं, ये एकदम बेसिक नॉलेज है, आपको नहीं पता होगा तो आप शेयर मार्केट में डेफिनेटली लॉस करोगे. नेक्स्ट, शेयर मार्केट में अगर आप आ गए तो आपके अंदर एकदम जोश जो है वो एकदम भरा हुआ होता है. ओके, आप सोचते हैं कब सुबह होगा, कब 9:15 को मार्केट ओपन होगा. 9:15 को ओपन होते ही तुरंत आप कूद पड़ते हैं बाई करने के लिए. कोई भी स्टॉक गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, कोई कोई स्टॉक गैप अप ओपन होता है और आप सोचते हो वो इतना गैप अप ओपन हुआ तो वो दोबारा ऊपर जाएगा, बट आप एंटर कर ले तो एंटर करने के बाद वो नीचे आ जाता है, गैप फिल करता है और आपका लॉस हो जाता है. ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि गैप डाउन ओपन होता है, आप सोचते हैं नीचे जाएगा, आप सेल करते हो बट वो ऊपर आकर गैप फिल करता है. सबसे वो तो मतलब सेकेंडरी बात है. ओके, यहाँ पर लॉस ना सेकेंडरी है, प्राइमरी लॉस कहाँ पर होता है, 9:15 को आप अगर मतलब न्यू ट्रेडर हो कभी भी ट्रेड मत करो. क्यों ना करो ट्रेड इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे 9:15 से 9:45 या 10 तक मार्केट में हाई वोलेटिलिटी रहता है. ओके, हाई वोलेटिलिटी मतलब मार्केट तुरंत 100 पॉइंट्स ऊपर जाता है, तुरंत 100 पॉइंट्स नीचे जाता है. अगर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में और आपको एंट्री पॉइंट पता नहीं है. अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब कुछ पता नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी कुछ काम नहीं होता 9:15 से 10 तक. ओके, इतना मार्केट वोलेटाइल होता है, सपोर्ट ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद आप अगर एंटर करते हो दोबारा वो नीचे आ जाता है, ऐसे बहुत सारा लॉस होता है लोगों का. मेरा खुद का भी लॉस हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ. तो 9:15 से 10 AM तक आप जो ट्रेड है वो अवॉइड कीजिए इनिशियल फर्स्ट टाइम पे. ओके, उसके बाद आप क्या कीजिए, अगर आपको ट्रेड करना है तो 10:30 से 12 तक आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहता है, कम वोलेटिलिटी रहता है, वहाँ पर आप आराम से मतलब कर सकते हो. 9:15 से 10 तक अगर करोगे आप, ऐसा होता है कभी कभी री एंटर करना पड़ता है, री एंटर करने पर भी लॉस हो जाता है इसी टाइम पे. ओके, बहुत जानना पड़ता है, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए इस टाइम पे ट्रेड करने का. उसके बाद 10:30 से आप 12 तक कर सकते हो आराम से, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको आना चाहिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज. ओके, दूसरे के कॉल्स को मतलब अगर आप सिर्फ मोबाइल देख रहे हो, इतना प्राइस बढ़ रहा है, इतना प्राइस कम रहा है, आप वही देख रहे हो, चार्ट आपको पता नहीं है क्यों ऊपर जा रहे क्यों नीचे जा रहे, ये सब आपको पता नहीं है, बस दूसरे कॉल कर रहा है, बोल रहा है कि सर आप इतना प्राइस है, आप बाय कर लीजिए, आप सेल कर दीजिए, आप उसके हिसाब से सेल करके बैठे हो, देख रहे हो कि लॉस हो रहा है, आपको पता नहीं है स्टॉप लॉस लगाना होता है वो भी नहीं बताता है, अल्टीमेटली क्या होता है, बिल्कुल खत्म, कैपिटल लॉस. उसके बाद 2 बजे के बाद आप ट्रेड मत कीजिएगा. ओके, 2 बजे से 3:30 तक आप ट्रेड मत कीजिएगा, इस टाइम भी मार्केट हाई वोलेटिलिटी रहता है मार्केट में. ओके, लोग मतलब कल के लिए बाय करके रखता है, सेल करके रखता है, मैक्सिमम जो जो ट्रेडर्स रिटेल इन्वेस्टर मतलब है और HNI वगैरह है, सब कुछ आ जाता है, बाय करके रखता है या शॉर्ट सेल करता है तो हाई वोलेटिलिटी रहता है, इसी टाइम में भी आपका लॉस होने का जो प्रोबेबिलिटी है और बहुत ज़्यादा होता है, तो इस टाइम में भी आप ट्रेड अवॉइड कीजिएगा. आप अगर फर्स्ट 5 to 6 months आप ट्रेड कीजिएगा बिंदास, 10:30 से 12 तक आप ट्रेड कीजिएगा, लॉस हुआ तो लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हुआ, आप 2 या 3 ट्रेड करो पर डे. ओके, अगर एक ट्रेड लॉस हुआ है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, दोबारा ट्रेड लो, 2 लॉस हुआ है कोई टेंशन नहीं है, तीसरा ट्रेड लो, अगर तीसरा ट्रेड भी लॉस हुआ है तो मार्केट को क्लोज कर दो,
काम उस दिन मत करो। ऐसा कभी मत सोचना कि तीन में लॉस हुआ है, फोर्थ ट्रेड लूँगा, वहाँ पर मैं सारा कवर करूँगा, रिकवर करूँगा, ऐसा वैसा कुछ मत करना गलती से। अगर ऐसा करोगे तो कैपिटल पूरा उड़ जाएगा। ओके, ये बैड हैबिट है, इसको मत लेना। तो हमेशा तीन कॉल्स लो, अगर लॉस होता है लॉस होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो डबल प्रॉफिट बुक करना। फर्स्ट कॉल से अगर लॉस हुआ है, सेकंड कॉल पे प्रॉफिट करो। प्रॉफिट करो तो ऐसा करो, अगर फर्स्ट कॉल में आपको 500 या 1000 लॉस हुआ है तो सेकंड कॉल्स में आपको वो लॉस कवर होने के बाद आपको एग्जिट नहीं करना है उस ट्रेड से। उस ट्रेड में आपको बने रहना है, 2000 या 2500 3000 तक आपको लेके जाना है, तब आपको एग्जिट करना है। अदरवाइज SL को ऊपर लेके आना है, मतलब SL को ट्रेल करना है। तो ऐसे करके चलना पड़ेगा, तभी आप अच्छा क्या बन पाओगे, ट्रेडर बन पाओगे, प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। एज अदरवाइज आप गैम्बलिंग जैसे करोगे तो आपको कुछ नहीं होगा यहाँ पर। ओके, ये सब बातों को आपको ध्यान देना होगा। और होता है जो नया ट्रेडर्स होता है, वो मार्केट में आता है और देखता है, लालच भर जाता है उसका। ऑप्शन अगर बाय करते हैं, अगर मैं ये बाय करूँ, मतलब क्या सोच लो, ONGC बाय करूँ, ONGC में 2-3 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा अगर मैं कैश में बाय करूँ इंट्राडे। ओके, अगर मैं इसको ऑप्शन में बाय करूँ, ज़्यादा पेमेंट भी नहीं लगेगा, कम प्राइस में मिल जाएगा। अगर एक पॉइंट वहाँ पर मुझे मिल गया तो मुझे कितना हैवी 6000-7000 का प्रॉफिट मिल जाएगा एक पॉइंट में, इतना ज़्यादा लॉट क्वांटिटी है। तो वो ऑप्शन में एंटर कर जाते, ऑप्शन में मतलब आप गलती से भी मत घुसिएगा विदाउट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर है तब आप ऑप्शन में घुसिएगा, ऑप्शन आपको बर्बाद कर देगा। ऑप्शन मतलब दे भी सकता है आपको और आपको लेकर डूब भी सकता है, ये बात ध्यान देना। तो एकदम केयरफुली ऑप्शन में काम करना। तो अगर आप बिगिनर्स हो तो ऑप्शन में काम मत करना, इंट्राडे कैश पे बाई करो, वहाँ पर भी बहुत सारा स्टॉक है जो आपको प्रॉफिट देगा। अब थोड़ा सा बड़ा टिकट प्राइस का लेना, 500 के ऊपर जो प्राइस है वो वाला स्टॉक लेना, तब आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। 500 के बिलो जो स्टॉक है वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट कम मिलता है। ओके गाइस, तो ये सब बात को ध्यान देना, जो ये मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ वो सब नोट करके रखना। और ट्रेडिंग कैरियर पे जब ट्रेडिंग पे आप बैठोगे तब ये सब फॉलो करना, तब देखोगे अपने आप आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, अगर प्रॉफिट नहीं भी मिलेगा तो आपका लॉस कम होगा, और अदरवाइज लॉस भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, ब्रेक इवन पे आप रह जाओगे। अगर ब्रेक इवन पे भी आप रह जाओगे तब भी आपके लिए बहुत है। ओके, तब आप धीरे धीरे ग्रो करके अच्छा खासा प्रॉफिट बाद में कमा सकते हो। इनिशियल लॉस तो मत करो, जो बोला वो समझो, सीखो, सीखते जाओ धीरे धीरे। उसके बाद जब एक्सपीरियंस होगा, अपने आप ऑप्शन में जाना, फ्यूचर्स में जाना, जो करना है ऑप्शन बाइंग सेलिंग जो करना है आराम से करना। ऑप्शन सेलिंग भी मतलब मैं बोल सकता हूँ, ऑप्शन सेल कर सकते हो, बट ऑप्शन बाइंग मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की है। ओके, हाई स्किल चाहिए इस पर काम करने के लिए, तो ऑप्शन में मत आइएगा। ऑप्शन में आओगे तो स्टॉप लॉस लगाने भी मतलब बहुत मुश्किल होता है, स्टॉप लॉस हिट नहीं होता कई बार, इस वजह से लॉस होता है। अगर आपको लगाना नहीं आता तो आप बर्बाद होगे। एक पॉइंट का प्रॉफिट में आपको 6007 प्रॉफिट दे सकता है, बट एक पॉइंट अगर नीचे जाता है तो उतना प्रॉफिट आपका ले भी सकता है। ऑप्शन में ऐसा होता है, मतलब वो मार्केट ऑर्डर पे आप बाय नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, तो SL कभी कभी स्कीप हो जाता है, तब तो मतलब बर्बाद। अगर लो कैपिटल है आपका, आप गए काम से, तो ऑप्शन में आप मत घुसिएगा। अगर आपका कैपिटल 2 लाख से ज़्यादा है तब आप ऑप्शन सेल भी कर सकते हो, बट आजकल तो मार्जिन वगैरह ख़त्म कर दिया तो सेलिंग में भी इतना वो नहीं है, बाय ही करना पड़ेगा। बट आप एक्सपीरियंस जब होगा तब बाय कीजिएगा, अदरवाइज आप इंट्राडे कैश पे बाय कीजिए, कैश में बाय कीजिएगा, कोई बात नहीं, बाय कीजिए, सेल कीजिए, वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके गाइस, तो आज मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिया, ये पॉइंट्स को ध्यान देना, नोट करना। ओके, और नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 है ये भी आएगा, तो देखना। तो गाइस, और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर भी हम कॉल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं और लर्निंग मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो काइंडली जाओ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। और हमारा प्रीमियम ग्रुप भी है, हम लोग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ताकि वो लॉस ना करे अपना मेहनत का पैसा, कुछ हमें भी दे और कुछ थोड़ा सा खुद भी कमाए, और कमाने के साथ भी वो सीख भी पाए। तो हमारा ये सर्विस भी, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कांटेक्ट कीजिए हमको, मिनिमम सा फीस है, वो पे करके ज्वाइन हो सकते हो। गाइज, अगर वीडियो आप यहाँ तक देख सकते हो, अगर लाइक नहीं किया एक लाइक कर दो, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और गाइज, वीडियो को शेयर करना, ताकि वीडियो का थोड़ा सा रीच बढ़ जाए, दूसरों तक पहुँचे, और दूसरा भी जो लॉस है वो लॉस को अवॉइड करे। ओके, तो आपके थ्रू दूसरे का भी हेल्प होगा, अगर दूसरे के हेल्प आप करो मतलब कर लिया है तो भगवान आपका हेल्प जरूर करेगा। अगर भगवान आपका हेल्प करेगा तो आपके पास क्या होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, खुशहाली जीवन। ओके गाइस, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। ओके गाइस, हैव ए गुड डे।